मैं पत्रकार हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। मेरे पहले कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप जो पूछेंगे मैं आपसे आप हमारा टेस्ट लेंगे। मैं बताइए मुझे कि खाद संसाधन क्या होता है, मैंने टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पे। मैं क्यों सवाल बताऊंगा, आप बताइएगा प्लीज। कि बच्चों आप जो है इनका सवाल जो मैंने इनसे पूछा कि खाद्य संसाधन क्या होता है, हमको कहाँ से मिलता है, आप बताएंगे? कौन बताएगा? ठीक है आप लोग समय समय पे आते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हम टीचर हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी जानते हैं, लेकिन इस तरीके से जो है समय समय पर कभी भी अननेसेसरी आकर के जो है ना आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है सर, प्लीज। बिहार के शिक्षा मंत्री का सचिव कौन है? कौन होते हैं मुझसे सवाल करने वाले? यार आप किसके आदेश से आए हैं और मुझसे टेस्ट लेंगे? मैं भी आपसे टेस्ट लूंगी। आप हमसे टेस्ट? हाँ जी सर। आप क्या टेस्ट लेंगी आप हमसे? हम यही कि आपने पत्रकारिता की डिग्री कहाँ से प्राप्त की है? टीचर जो हम क्वालिफाई होके यहाँ पे आए हैं, हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो हमको सरकार ने रखा है, सरकार ने सवाल जवाब करेगी क्या? आप करेगा? नहीं नहीं, आपको अगर करना है तो जाके सरकार से पूछे कि सरकार कैसे टीचर रखे हैं, कैसे बहाल करे हैं, कैसे हम लोग से मतलब कोई सवाल पूछ रहे हैं, ये सरकार से पूछना आपका हक बनता है, मेरे से नहीं। हम जो पढ़ा रहे हैं हम क्वालिफाई होके TET क्वालिफाई होके आए हैं, तभी हम पढ़ा रहे हैं, हम योग्य थे तभी हमें रखा गया है। भारत के रेल मंत्री का नाम बताइए। गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में, यह मुहिम है फाइनल पोस्ट की, जिसका पहला एपिसोड हमने बनाया था। आप सभी दर्शकों का बहुत प्यार मिला पूरे बिहार से, इसलिए आप सभी का आभार। इस वक्त हम एक और बिहार के एक और स्कूल में है, ये स्कूल भी बहुत उत्कृष्ट है। क्या है यहाँ की खासियत, एक हम अलग वीडियो में बनाकर दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त जो आपने पहले देखा, ये हमारे साथी गोल्डन अनिकेत और व्योम, इन लोगों ने जो कमाल की एक्टिंग की है वो काबिले तारीफ। और मैडम आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग किया जी आपको। और इनफैक्ट हम लोग सिर्फ ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को पत्रकार कहने वाले लोग किस तरह से अपने सम्मानित गुरुजनों का अपमान करते हैं, जब वो क्लास में जाकर बच्चों के सामने अपने टीचर्स को, जिनको जिन गुरु को गोविंद का दर्जा देते हैं, उनको हम बदनाम करने की कोशिश करते हैं सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ TRP के लिए, कुछ पैसे के लिए। लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि हम इस मिथक को, इस परसेप्शन को तोड़ना चाह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ इतना ख़राब नहीं है जितना खराब सोच रहा है। और ये जो है ना सुपारी ले करके इमेज को ख़राब करना और टीचर्स के रिस्पेक्ट को, उनके इमेज को टार्निश करना, उसको किल करना, इसको प्लीज़ बंद करिए आप लोग। क्योंकि एक दूसरी तस्वीर भी है, आपने देखा इस प्रैंक के जरिए ही कि एक टीचर्स क्या सोचता है, उनके मन में क्या रिएक्शन होता है जब आप उनके साथ इस तरह से करते हैं। क्या बहुत बुरा बर्ताव जब होता है तो बहुत बुरा लगता है टीचर को, तो ऐसा हालांकि शिक्षक के साथ नहीं होना चाहिए, क्या कुछ भी नहीं होना चाहिए सर। इस तरीके से देख वो लोग बोली भी है, बताई भी है कि किस तरीके से उनको बुरा लगता है क्लास में जब कोई आके डायरेक्ट माइक लगा देता है। तो बंद कीजिए आप लोग, ये पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता नहीं है, ये आप अपने ही राज्य की, अपने ही स्कूल की, अपने ही शिक्षा व्यवस्था की छवि को खराब धोमिल कर रहे हैं सिर्फ अपना TRP बढ़ाने के लिए। मैंने इस तरह का बर्ताव जो पत्रकार लोग कर रहे हैं वो आप बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना। बिल्कुल सर, ये तो हम लोगों ने एक प्रैंक किया, उसको ड्रामेटाइज करने की कोशिश की, लेकिन असल में तो ऐसा हो रहा है जी पूरे बिहार में। या मेन स्ट्रीम मीडिया के भी लोग आते हैं, पत्रकार आते हैं, और इस तरह से वो टेस्ट लेकर पूरे हिंदुस्तान में बिहार की छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की क्या राय है इस पर? देखिए ये आप है अरुण कुमार मिश्रा जी, जो अरुण प्रकाश मिश्रा जी जो इस स्कूल के हेडमास्टर हैं। स्कूल का नाम भी सर जरा बताइए। स्कूल का नाम है राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिहुलिया सह उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़वा। ये रामगढ़वा पंचायत के अंतर्गत मोतिहारी ब्लॉक में आता है जी। तो ये जो सवाल है कि क्या मतलब, उस पर कुछ बताइए। नहीं, एक बिहार के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है, कुछ कथित पत्रकार जो वास्तव में अपने आप को पत्रकार कहते हैं लेकिन वे कहीं से भी पत्रकार हैं नहीं। एक मोबाइल ले लिया और एक कैमरा ले लिया, पत्रकार बन जाएगा? जिस तरह अगर टीचर के लिए मानदंड है तो पत्रकारों के लिए भी एक मानदंड होनी चाहिए कि उनकी एक योग्यता होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस तरह कोई भी कैमरा लेकर कि हर मोबाइल में कैमरा रहता है, इस तरह कोई भी पत्रकार बन जाएगा और पत्रकारिता के छवि को भी धूमिल कर रहा है ये लोग। दोहरा नुकसान है इसका, दोहरा नुकसान। मैडम आप बताइए, आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाती हैं,
ठीक है आपके साथ अब कभी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन आमतौर पर बहुत जगह ऐसा होता है, तो एक टीचर होने के नाते क्या मतलब लगता है आपको, क्या फील होता है? एक टीचर होने के नाते यही फील होता है सर कि हम लोगों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो है पेश किया जाता है। बच्चों के साथ जो है हम लोग बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगों में से जो है किसी की एंट्री होती है तो हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अगर आप एक रेस्पॉन्सिबल पत्रकार हैं तो आपको भी इस चीज़ का जो है गरिमा का ध्यान होना चाहिए कि किस कायदे से जो है हम लोगों से कोई भी सवाल बच्चों से थोड़ा हट करके उसके लिए ऑफिस में बुला करके आप लोग पूछिए, हम बखूबी उसको अच्छे से जो है जवाब देंगे आप लोगों को। तो क्या होना चाहिए इस पर? होना यही चाहिए कि आप लोग इस तरीके से मतलब बिहार को की छवि को बदनाम नहीं कीजिए। आप लोग नहीं, मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। पत्रकार जनरली पत्रकार होता है कि बाकी दुनिया की बातों को जो है हम लोग नुकसान है कि मैडम को पता है कि हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हम पत्रकार बिरादरी से आते हैं तो आप लोगों के इस अफवाहबाजी के कारण, इस गंदी पत्रकारिता के कारण हम जैसे लोगों को भी ये बात सुननी पड़ती है जो मैडम अभी कह रही है आप लोग, जबकि हम आपके तरफ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है सर। तो मैडम सर जी, मैं आप लोगों के द्वारा जनता के बीच या फिर बच्चों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि कमी तो हर आदमी के अंदर होता है। एकाएक माइक ले जाने के बाद में कोई भी आदमी सरप्राइज घबरा जाता है और वो जानते हुए भी उस जवाब को नहीं दे पाता है। और जहाँ तक सरकार हमें कहती है कि हम राष्ट्र निर्माता हैं, तो उतना तो हम जरूर जानते हैं कि हमें बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना है, इस देश के लिए एक कैसे नागरिक तैयार करना है। या आपकी ट्रेनिंग कहाँ तक हुई है? सर हम तो बीएड कर लिए हैं। बीएड है आपका? मैं एमएससी हूँ और डीएलएड हूँ। ये बताइए, एमएससी है डीएलएड है और आप 12th ग्रेजुएशन करके आप आते हैं इनका टेस्ट लेने, शर्म आनी चाहिए, मतलब नहीं करिए प्लीज। ये आप बिहार के छवि के साथ साथ इस पत्रकारिता के प्रोफेशन को भी बदनाम कर रहे हैं, प्लीज़ ये बंद कीजिए। टीआरपी और व्यूज़ के चक्कर से बाहर निकलिए, बहुत सारी खबरें हैं इन सब कामों के लिए, लेकिन जो हमारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका रिस्पेक्ट आज भी जरूरी है। मैडम आपका क्या एजुकेशन है, माफ़ कीजिए कहाँ तक आपने ट्रेनिंग लिया है? डीएलएड है जी। देखिए सब लोग, सर आप, हम बीएड किए हुए हैं और एमए किए हुए हैं। बीएड और एमए क्या पढ़ाते हैं सर? हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं। और बताइए आपका कोई टेस्ट लेने आ जाए तो कैसा लगेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि हम पहले आप लोग का टेस्ट लेना चाहते हैं कि जब आप आए हैं तो आप जानते हैं कि इसके बारे में, कि हिस्ट्री के बारे में कि नहीं। अच्छा। जिस सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट से हमको पूछना चाहिए, लेकिन पत्रकार लोग आते हैं हमको कहेगा कि एप्पल का मीनिंग बताइए। क्या होना चाहिए इस तरह का, इस तरह की जो नहीं होनी चाहिए इस तरह का, मतलब टीचर के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। टीचर का भी रेस्पेक्ट होता है, मान सम्मान होता है, बच्चे के पास उसकी छवि खराब होगी। उल्टे हमारे ऊपर कीचड़ उछालने आते हैं, ये सरासर गलत है। मैं वैसे पत्रकार को अपने स्कूल में एंट्री नहीं करने दूंगी। तो ये एंट्री कैसे मतलब बंद होगा, होना चाहिए क्या? नहीं, एंट्री होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी जो है हमारे शिक्षा विभाग है उससे परमिशन लेटर ले करके आइए, तब आप लोगों को। और हर समय अनुचित समय पे आप लोग इस तरीके से वर्क कक्ष में आकर के जो है टीचर को परेशान नहीं कर सकते। विभागीय अनुमति के पश्चात विद्यालय में प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा उनके प्रवेश को वर्जित किया जाना चाहिए, इस पर प्रशासन एक्शन उठा ले। तो देख रहे हैं गोल्डन की सर लोग या मैडम भी क्या कह रही है जी, तो आपका क्या कमेंट है, एक लास्ट कमेंट बताइए। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो पत्रकारिता हो रही है, जैसे हम जैसे पत्रकार भी बदनाम हो रहे हैं, आप जैसे पत्रकार भी बदनाम हो रहे हैं, तो इस चीज़ को कम से कम आप नहीं करिए, ताकि हम लोग का भी मान सम्मान बचा रहे और सारे जो अच्छे पत्रकार हैं उनका भी मान सम्मान बचा रहे। लेकिन आपने देखा कि एक टीचर, एक गुरु के मन में क्या भावनाएं आती हैं जब आप उनको इस तरह से जलील करने की कोशिश करते हैं, तो प्लीज़ इसको बंद करिए। और हम लोग बार बार जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के प्रैक्टिस पर देखिए कि किस तरह लोकतांत्रिक तरीके से रोक लगाई जा सकती है। ये नहीं कि हम, ये भी नहीं कहेंगे कि इस तरह की रिपोर्टिंग को बंद किया जाए या पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी जाए, लेकिन पत्रकारिता की इस तरह की क्वालिटी को रोका जाए। इस तरह के ये काम सेल्फ रेगुलेशन बना के भी हो सकता है, मतलब हम पत्रकार भी अपने लिए खुद नियम बनाकर इस काम को कर ले, ताकि किसी अधिकारी को
मौका न मिले कि वो हम पर अंकुश लगाने की कोशिश करें या ऐसी आवश्यकता ही नहीं आए कि मतलब अंत में पदाधिकारी को ये निर्णय लेना पड़े कि पत्रकार के साथ ये नियम लगाया गया है तो हम खुद क्यों नहीं सुधार। सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन का काम बहुत जरूरी है, हम लोग को खुद ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह का समय ही नहीं दें सामने वाले को कि मेरे ऊपर वो अंकुश लगे। और ये गलती आप लोग बार बार कर रहे हैं, सो प्लीज एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ये काम मत करिए। जो गलत है वो दिखाइए, लेकिन गलत को दिखाने का तरीका भी कम से कम शालीन रखिए, अच्छा रखिए। किसी को जलील करना, बेइज्जत करना ये आपकी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि टीचर का सिलेक्शन एक बहुत कड़े प्रक्रिया से होता है, एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। वो प्रशासन से लेकर के उसका एक डिपार्टमेंट है, उसका प्रशिक्षण है, उसका एग्जाम है, उनके सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में हम और भी इस तरह की स्टोरीज करेंगे, और भी जगह पे जाएंगे। और तमाम पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से जलील करना आप बंद करिए, ये न बिहार के हित में है न हम पत्रकारों के हित में है। और इस विद्यालय की खूबसूरती भी हम लोग अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये विद्यालय कितना खूबसूरत है, और ये भी बिहार का ही एक विद्यालय है जिसकी खूबसूरती हम आपको दिखा रहे हैं अगले वीडियो में। तो देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार, धन्यवाद।